दोस्तों डॉल्फिन पोज यानी अर्ध पिंच मयूरासन को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। इसके बाद आपने ऐसे घुटनों के बल खड़े हो जाना है। फिर इसके बाद आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आएंगे। इसके बाद आप अपने दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और दोनों हथेलियों को ऐसे जमीन पर रखिए और इस स्थिति में आएंगे। अपने दोनों पैरों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने सिर को जमीन पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। इसे करने से सिर दर्द, थकान, मानसिक तनाव, अवसाद जैसी समस्त समस्याएं दूर होती हैं। हमारे पैरों की मजबूती के लिए और हमारे शरीर के लचीलेपन के लिए यह डॉल्फिन पोज योगा बहुत ही अधिक लाभकारी होता है। 30 सेकेंड इसी स्थिति में रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आएंगे और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। दोस्तों एक बार और कर लें। सबसे पहले ऐसे वज्रासन में बैठ जाएंगे और फिर आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग जो डॉग की पोजीशन में ऐसे आना है। फिर इसके बाद आप अपने दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। यह एक इसे करते समय आपके शरीर का इन्वर्टेड भी आकार बनता है। यह हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। 30 सेकेंड इसी स्थिति में रहिए। यह मानसिक तनाव से इसे करने से मानसिक तनाव से राहत मिलती है। फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आएंगे और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। दोस्तों यह डॉल्फिन पोज तनाव से राहत दिला हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। इसे करने से नर्वस सिस्टम संबंधी समस्त रोग दूर होते हैं। इसलिए आप अपने 5 से 10 मिनट एवरीडे निकालिए और इस डॉल्फिन पोज यानी अर्ध पिंच मयूरासन को प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।